पीड़ा को सहने के लिए वो विवश हुए हैं ना, वही पीड़ा तू भी सहेगी। तेरी चीत्कार पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, किंतु किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि तुझे मेरे प्रकोप से बचा सके। धर्म योद्धा गरुड़ के 97वें एपिसोड में आप देखेंगे कि कदरु अपने पुत्र को मूर्छित होकर गिरा हुआ देख विंता पे क्रोधित होते हुए आग से लपटी लकड़ी लेकर विंता से कहती है, जितने घाव मेरे पुत्र के तन पे लगी है उतने ही घाव तेरे तन पे भी होंगे। जिस पीड़ा को सहने के लिए मेरे पुत्र विवश हुए हैं वही पीड़ा तुझे भी सहना होगा। तेरी चित्कार पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, परंतु किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं होगा जो तुझे मेरे प्रकोप से बचा सके। जिसके बाद गरुड़ जी सूर्य पुष्प लेकर वहां आ जाते हैं। गाइस मुझे लगता है कि गरुड़ जी अपने नाग भाइयों को ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कदरू के पुत्र वापस से पुनर्जीवित हो पाएंगे? और आप कितना एक्साइटेड है धर्म योद्धा गरुड़ के अगले एपिसोड के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।